कि इंडिया जो है वो मूव अवे कर रहा है आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आपके कॉस्ट बेस्ड कंपिटेटिवनेस से आपका इनोवेशन बेस्ड कंपिटेटिवनेस क्या मतलब है इस बात का कि इंडिया मास्टर है सस्ती दवाइयां बनाने के अंदर बट हम आप कोशिश कर रहे हैं कि हम इनोवेटिव दवाइयां बनाए हम नई दवाइयों की तरफ जाए राइट तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए एक स्कीम है जिसको अभी भी रिसेंटली जो है वो पास किया गया है दैट इज पीआरआईपी स्कीम ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट है मेंस में इसकी रेलिवेंस आपको मिलेगी आप मेंस में इसको कहीं पे कोट कर सकते हो डायरेक्टली शायद आपको स्कीम के बारे में ना पूछ लिया जाए लेकिन आपसे कंपिटिटिवनेस uh, के ऊपर बात की जा सकती है फार्मास्यूटिकल कंपिटिटिवनेस की कॉस्ट बेस्ड कंपिटिटिवनेस वर्सिस इनोवेशन बेस्ड कंपिटिटिवनेस इसके ऊपर कुछ सवाल आ सकता है तो हमने क्लास के अंदर इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था यहाँ पे क्योंकि सिर्फ मिनट सीरीज है तो यहाँ पे मैं आपको प्री पॉइंट टारगेट किया गया है कौन -कौन छह इसके एरेनाज है सब कुछ हम देखेंगे और इनके बाहर आपका कोई भी प्री के अंदर सवाल जो है नहीं आएगा जो है इसी के अंदर से आएगा चलिए बच्चे शुरू करते हैं तो यूनियन कैबिनेट फुल फॉर्म है बच्चे प्रमोशन

ठीक है चलिए ऑब्जेक्टिव क्या है इसका इस टू तो ट्रांसफॉर्म द इंडियन फार्मा सेक्टर फ्रॉम कॉस्ट बेस्ड की हम सस्ती दवाइयां बना देते हैं टू तो इनोवेशन बेस्ड ग्रोथ बाय स्ट्रेंथनिंग दी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर तो अगर आपने इनोवेशन करनी है तो आपको रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा फाइन ट्यून थोड़ा सा फाइन लाइन करना पड़ेगा और ये क्या करेगी स्कीम ये कैसे करेगी मैं आपको बताने वाला हूं और क्या करेगी स्कीम ये टू प्रमोट

न्यू केमिकल एंटिटीज इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल एंड फाइटो फार्मास्यूटिकल्स फाइटो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं प्लांट बेस्ड ड्रग्स बेसिकली इज एज एज सिंपल दैट क्योंकि अब जो लोग हैं वो दवाइयों से दूर भाग रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की दवाइयों से दूर भाग रही हैं दे वांट प्लांट बेस्ड सॉल्यूशंस तो ये फाइटो फार्मास्यूटिकल्स वो होते हैं कॉम्प्लेक्स जेनरिक्शन बायोसिमिलर बायोसिमिलर्स होते हैं कि एक महंगी दवाई है उसका एक सस्ता वर्जन बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है पर एक्टली exactly मतलब यही होता है उसका

है ना हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप ऑर्फन ड्रग्स भी डेवलप कीजिए टू कंपोनेंट्स में ये फोकस कर रहे हैं एक आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे सात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे इन सेवन एग्जिस्टिंग नाइपर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर ये हमारा टॉप पे आता है इंडिया में तो नाइपर्स तो सात आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां बनाए जाएंगे इसके अलावा नाइन गवर्नमेंट एंगेजमेंट भी नाइन फार्मास्यूटिकल कंपनीज मतलब ये आपका होगा गवर्नमेंट सेक्टर

तो तो so, ये 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 पे है 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 प्री के के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वाला कौन संभाल रहा right? इसलिए सेकंड इज़ योर प्राइवेट 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 सेक्टर सेक्टर सपोर्ट सपोर्ट बचा हुआ जो बाकी पैसा वो को जाएगा उनके के लिए राइट right? और सेक्टर क्या करने वाला है आपका? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल मशीन लर्निंग के थ्रू जो मेडिसिन डेवलप हो रही है वो आपका प्राइवेट सेक्टर के पास है इसके अलावा वी हैव ऑर्फन ड्रग्स एंड रेयर डिजीजेस एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस राइट तो अगेन आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो दिस 7 मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IA's Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs. Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.